हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही सुंदर सा नेक डिज़ाइन बताने जा रही हूँ जो कि राखी स्पेशल है। तो ये नेक डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने साड़ी में से ब्लाउज पीस निकाला हुआ है और मैंने यहाँ पर 1.25 मीटर लिया हुआ है अस्तर का फैब्रिक और ये मेरे पास मेजरमेंट है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर 40 चेस्ट का बोट नेक पर बहुत ही सुंदर सा नेक डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। तो ये मेजरमेंट है, इस मेजरमेंट के हिसाब से मैं कटिंग कर रही हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं और फिर मैं इसकी स्टिचिंग भी बताऊँगी आपको कि किस तरीके से आपको स्टिच करना है नेक डिज़ाइन को। तो अभी हम मेन फैब्रिक को अलग रखते हैं और अस्तर पर इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने फोल्ड वाले पार्ट को अपनी तरफ रखा हुआ है, ओपन पार्ट मेरा इस तरफ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन करके यहाँ से कपड़े को सीधा कर लेती हूँ इस तरीके से। और देखिए, मैं यहाँ पर तैयार लंबाई मुझे 14 इंच पर चाहिए, तो मैं यहाँ पर 15 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ इस तरीके से। और मैं यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ से मैं शोल्डर के लिए निशान लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पर 40 चेस्ट का ब्लाउज बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर 7.5 इंच शोल्डर लूँगी और नीचे से भी 7.5 इंच लेना है आर्म होल्स के लिए। ये देखिए, मैंने यहाँ पर आर्म होल्स का और शोल्डर का मार्किंग कर लिया है। अब मैं यहाँ पर चेस्ट के लिए मार्क करूँगी। तो जैसे कि चेस्ट 40 इंच है तो मैंने यहाँ पर 10 लिया है और 2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है। और यहाँ पर अब हम आर्म होल्स के लिए निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर स्केल की मदद से यहाँ पर आर्म होल्स के लिए, देखिए परफेक्ट आर्म होल्स आ जाता है स्केल से इस तरीके से। और यहाँ पर अब मैं कमर के लिए निशान लगाऊंगी। तो कमर है 32 इंच, तो 32 का चौथा भाग लिया है मैंने 8 और 2 इंच मार्जिन के लिए, 1 इंच पीछे के टक्स के लिए। तो ये देखिए, मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। 1/2 इंच के करीब मैं यहाँ से शोल्डर को डाउन कर रही हूँ। ये हमें फ्रंट के पार्ट में भी करना है इस तरीके से। ये देखिए, मैंने 1/2 इंच करीब यहाँ पे शोल्डर डाउन किया है। अब मैं बैक पार्ट को कट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको डिज़ाइनर बोट नेक ब्लाउज की कटिंग बता रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से आप नेक को कट कर सकते, ब्लाउज को कटिंग करके नेक को डिज़ाइनर बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर बैक पार्ट को कट कर लिया है और अब मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट को कट करूँगी। फ्रेंड्स, मैं इसमें साइड में चेन लगा रही हूँ, तो मैं आगे पीछे का जो मेरा पार्ट है वो पैक है, उसमें मैं ओपन नहीं रख रही हूँ। अगर आप चाहें तो बैक में या फ्रंट में हुक लगा सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ से बराबर रखा हुआ है, इसे मैंने बराबर कर लिया है और फ्रंट में मैं यहाँ पर कटिंग करूँगी। देखिए, मैंने यहाँ पर जैसे बैक पार्ट में 15 इंच लंबाई ली थी, तो मैं यहाँ पर फ्रंट में 1 इंच बढ़ा कर ले रही हूँ लंबाई को। जो बैक वाला पार्ट होता है उसे 1 इंच बढ़ाकर हमें फ्रंट वाले पार्ट को कट करना होता है। तो यहाँ से एज इट इज़ मैं इस तरीके से ड्रॉ कर लूँगी। ये देखिए, और मैं यहाँ से 1/2 इंच और नीचे से 1.5 इंच बढ़ा कर ले रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें प्रिंसेस कट के कटिंग कर रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए फ्रंट मैंने यहाँ पर इसे ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। ये हमारा फ्रंट का भी पार्ट कट हो गया है। फ्रेंड्स, इसमें नेक की जो चौड़ाई होती है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए, बोट नेक में नेक की जो चौड़ाई होती है वो ज़्यादा ही आती है, तो मैं यहाँ पर 4 इंच के करीब यहाँ पर नेक की चौड़ाई के लिए निशान लगा रही हूँ। आप चाहे तो 4.5 इंच तक भी रख सकते हैं, आपको जितना ब्रॉड पहनना है आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पर मैं 4 इंच पर कट लगा देती हूँ इस तरीके से। और ये मेरा बैक का पार्ट है, तो इसे मैं अलग कर देती हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पर एक आर्म होल्ड्स के लिए निशान लगा लेती हूँ इस तरीके से। अब हमें फ्रंट आर्म होल्ड के लिए
गोलाई देनी है। तो वो किस तरीके से देनी है मैं आपको दिखाती हूँ। हाई नेक और वॉट नेक गले में फ्रंट आर्मोर की गोलाई देनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप गोलाई नहीं देंगे तो यहाँ पर पहनने के बाद काफ़ी सारी क्रिस जमा हो जाती है। तो देखिए हमने 7.5 शोल्डर लिया था, तो हम यहाँ से 7 इंच करीब यहाँ मैंने 1 इंच करीब अंदर की तरफ मार्क किया है। अब इसे हम स्ट्रेट कर लेंगे ऊपर तक इस तरीके से, और आर्म होल्ड स्केल से हम यहाँ पर गोलाई दे देंगे। देखिए इस तरीके से हमें गोलाई देनी है। अब हम इसे कट कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग कर रही हूँ, तो वो देख लीजिए आप किस तरीके से मैं मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए 3.5 इंच पे हमें एक निशान लगाना है, और ऊपर से टक्स पॉइंट के लिए लगाना है 10.5 इंच पे, और हम यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे एक इस तरीके से, और आर्म होल्स के यहाँ से 3 इंच पे एक मार्क कर लें आप, और इसे इस तरीके से आपको मिला देना है। और हमें यहाँ पर 2 इंच करीब में यहाँ पर निशान लगा रही हूँ, और इसे इस तरीके से आप मिला दीजिए। ये देखिए यहाँ पर हमारी मार्किंग हो गई। स्केल से थोड़ा सा हम इसे यहाँ पर शेप दे देते हैं इस तरीके से। ये देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसे शेप दे दिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी कटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। आगे का जो नेक है वो मैं यहाँ पर 6 इंच ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जैसे वोट नेक है तो आप यहाँ पर छोटा नेक भी बना सकते हैं, और चाहे तो थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं नेक को। तो आपको स्लीव्स किस तरीके से कटिंग करनी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर आपको 1/2 इंच ऊपर के लिए छोड़ना है, और यहाँ से अपने आर्म होल्स नाप लेना है। तो देखिए यहाँ पर 40 चेस्ट में 8 इंच के आर्म होल्स आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आर्म होल्स के लिए कट करने के लिए यहाँ पर स्लीव्स ये जो बचा हुआ कपड़ा है उसे मैं यहाँ पर डबल फोल्ड करके फोल्ड वाले हिस्से को अपनी तरफ रख रही हूँ, और यहाँ पर सबसे पहले मैं 1/8 इंच पर निशान लगाऊंगी, और स्लीव्स की लंबाई है जैसे मेरी तैयार 11 इंच, तो मैं यहाँ पर 12 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें आप, यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर लें। अब हमें यहाँ से 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है। अगर कम चेस्ट हैं तो आप यहाँ पे 3 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ पर 3.5 लिया है मैंने, और यहाँ से इस लाइन को इस तरीके से मिला दीजिए। ये देखिए मैंने इस लाइन को इस तरीके से मिला दिया है। यहाँ पर 1 इंच करीब मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी, और अब हमें यहाँ से नाप लेना है। 8 इंच इधर आ रहा है, और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन का। अब हमें यहाँ से शेप दे देनी है आर्म होल्स यहाँ पर स्लीव्स की इस तरीके से। फ्रेंड्स इस तरीके से आपकी स्लीव्स की फिटिंग अच्छी आती है, और आपको स्लीव्स छोटी और बड़ी नहीं होती है, बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो नीचे से अब हम मोरी के लिए निशान लगा लेंगे। मोरी है हमारी नीचे से 10 इंच, तो 5 इंच पे एक निशान लगाया है मैंने 2 इंच मार्जिन का। ये देखिए मैंने यहाँ पर स्लीव्स का पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर आगे के शेप के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से मार्जिन का हमें छोड़ते हुए 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए इस तरीके से केरी जैसा शेप हमें यहाँ पर देना है, और इसे कट कर लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। अब हमारा जो फैब्रिक है ब्लाउज़ का, उसके ऊपर हम इसे रखकर कट कर लेंगे।
ये देखिए यहाँ से सबसे पहले हमें स्लीव्स के लिए कट करना होगा। तो ये देखिए यहाँ पर जो बॉर्डर का पार्ट है, मैं इसे इस तरीके से फोल्ड करके और जो हमारी स्लीव्स है स्लीव्स को हम इसके ऊपर रखकर कट कर लेंगे। साइड में अगर कपड़ा कम होगा तो हम जॉइंट लगा लेंगे साइड में। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल बराबर ही आ रही है स्लीव्स। तो एक तरफ की बॉर्डर से मैं स्लीव्स कट कर रही हूँ और दूसरी तरफ की बॉर्डर से अपना बैक पार्ट कट कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें अपना बैक पार्ट कट करना है। तो हम बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। और हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए हमारा बैक पार्ट भी कट हो गया है। अब हमें फ्रंट पार्ट को कट करना है। तो हमें अपना फ्रंट पार्ट लेना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब इसे भी हम इस तरीके से यहाँ से जो मेन फैब्रिक होता है उसमें थोड़ा सा कपड़ा आप ज़्यादा ही लें और कटिंग साइड में सिलाई लगाने के बाद जब आप इसे जोड़ते हैं तो फिनिशिंग से आप कपड़े को कट कर लें। ये देखिए यहाँ से मैं जो हमारी साइड में टुकी होती है उसे भी मैंने यहाँ से कट कर लिया है। फ्रेंड्स ये हमारी ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर सिलाई से जुड़ा आपको कोई सवाल होता है, अगर इसमें आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है और आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने ग्रुप की लिंक दे रही हूँ, मेरा नंबर है उसमें, आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये हमारी स्लीव्स हैं और ये हमारा टुक्की वाला पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। तो फ्रेंड्स अब मैं इसकी नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आपको नेक की डिज़ाइन बताने वाली हूँ। बहुत ही सुंदर सा नेक बना रही हूँ मैं यहाँ पर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।